वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, खुशखबरी की बात है उन बच्चों के लिए जिन्होंने DRDO सेप्टम 9 टेक्नीशियन ए का फॉर्म फिल किया था और जो अपना कड़ा परिश्रम करने के बाद सीधा एग्जाम का वेट कर रहे थे। देखो भाई, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस चीज़ पर, जो डिपार्टमेंट ने अभी रिसेंटली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया। मैं जानता हूँ डिपार्टमेंट ने आप लोगों को डेट बता दिया है कि वो आप लोगों का यहाँ पर कब एग्ज़ाम लेने वाला है। बहुत अच्छी बात है, डिपार्टमेंट ने अच्छा किया आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी। लेकिन मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वीडियो एंड तक देखना, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी बताइए आपको। मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, अगर आप लोगों का एग्ज़ाम थोड़ा और लेट हो जाता तो आप लोगों के लिए बेटर होता, आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो जाती। क्योंकि यार देखो, मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 3-3.5 महीने से कड़ा परिश्रम कर रहे थे, बस इस एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं यार, जिन्होंने अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले तैयारी करना स्टार्ट किया था। कोई नहीं भाई, देखो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी भी हो, जो बच्चे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे 1 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, अपना कड़ा परिश्रम देकर आओ। कोशिश करो कि कैसे न कैसे आप लोगों के यहाँ पर 110 के आसपास मार्क्स आ जाए। अगर आपके 110 आ गए ना, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम 100% क्रैक होगा। क्योंकि यार लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक फिटर का बच्चा था, 106 नंबर आए जनरल कैटेगरी से, तब भी उस बच्चे का यहाँ पर यार लिस्ट में नाम नहीं आया, वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुँच पाया। इसलिए आपको कड़ी मेहनत करने पड़ेगी। अब जो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली डिपार्टमेंट ने दी है एडमिट कार्ड से रिलेटेड और आपका एग्ज़ाम कब होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, डिपार्टमेंट ने आप लोगों को बोला कि आपका CBT एग्ज़ाम होगा, पहली बात तो 2 शिफ्ट में, ध्यान रखना 2 शिफ्ट में। नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा ये आपके एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा, एडवर्टाइजमेंट में कुछ मेंशन नहीं है ऐसा। इन्होंने बोला है कि आपका जो एग्ज़ाम है 28 तारीख से 30 तारीख के बीच में होगा, ठीक है, 28 से 30 के बीच में, यानी 28 को भी हो सकता है, 29 को भी हो सकता है और 30 को भी हो सकता है, लेकिन होगा एनी तीन डेट्स के बीच में। और पेपर आपका 2 शिफ्ट में होगा, मैंने आपको पहले बता दिया। एडमिट कार्ड, सबसे ज़रूरी बात, एडमिट कार्ड आपका कब आएगा। इन्होंने डिपार्टमेंट ने बोला है कि 2 हफ्ता पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड अपडेट करके दे दिया जाएगा, जो अगर हम इससे एक्सपेक्ट करें तो 14 सितंबर के आसपास आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और भाई, आप लोगों की तैयारी के लिए मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, आप लोगों की मर्जी है, लेना है लो, नहीं लेना मत लो, अगर नहीं लेना आप लोगों की मर्जी है। आपकी तैयारी अच्छी चले मैं तो यही बोलूंगा, चाहे आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप मेरे स्टडी मटेरियल से कर रहे हो, चाहे आप किसी और के से कर रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली उसका आउटपुट आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, जो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक मैंने दिया है आपको नॉन टेक्निकल, पहले नंबर पर लगा के दे दिए 10 प्रैक्टिस सेट, 10 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पहले आ चुके हैं वही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। दूसरा आपको दे रहा हूँ फिटर का 10 प्रैक्टिस सेट, तीसरा इलेक्ट्रिशियन के 10 प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ आपको, उसके 10 हैं या ज़्यादा हैं ये चेक कर लेना आप लोग, वैसे आई थिंक ज़्यादा ही हैं थोड़े। उसके बाद आप लोगों को मैंने दिया मशीनिस्ट का, और उसके बाद मैं और लिंक भी दे दूंगा, प्लीज़ जाके उसे विजिट कर लेना, कोई फोर्स नहीं है, आप लोगों की मर्जी है, तैयारी अच्छे से करनी है तो कर सकते हैं उन चीज़ों को लेकर। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की पहले से अच्छी तैयारी हो रखी है, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। अब एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देने वाला हूँ वो ये है कि ध्यान रखना कि आपको अपना जो यहाँ पर आपने फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंटआउट जरूर निकालना, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होंगे, चाहे वो मेरे चैनल के माध्यम से हो, चाहे वो किसी और के चैनल के माध्यम से हो, या फिर सेल्फ स्टडी के माध्यम से हो। अगर आप अपना प्रिंट नहीं निकालते हैं तो लास्ट टाइम जो लास्ट ईयर आपके एग्ज़ाम हुए थे ना, बहुत बच्चों को दिक्कत हुई थी यार, अपना प्रिंट आउट आपको निकालना पड़ेगा। घर भगा दिया था बच्चों को, बस इतना बोलूँगा कि आप अपना प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना। जो पहले भी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने बोली आप लोगों को निकालने के लिए, वो आपको फिर से निकालने, मतलब फिर से नहीं, जिन्होंने निकाल लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं निकाला वो कैसे न कैसे निकाले, बिना उसके काम नहीं चलेगा। अभी वो नहीं मांगेंगे, लेकिन जब आप लोग जाएंगे अपना फर्स्ट सिलेक्शन होने के बाद डिपार्टमेंट ने, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर भी आप निकाल के रखो, व्हाट्सएप पे शेयर करके रखो, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डिपार्टमेंट आपसे चूचा ना करे, आपका जो है यहाँ पर स्मूथली प्रोसेस हो जाए आगे का, ठीक है। बाकी आई होप कि आपको जो डिपार्टमेंट ने डेट दी है
वो आपको मैंने जो अच्छे तरीके से समझा दिया है। और ये वीडियो बनाने का कोई इतना बड़ा मकसद नहीं था, आप लोगों में एक कॉन्फिडेंस लाना था, एक बूस्टनेस लानी थी, ताकि जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको और आप जो अच्छे तरीके से कर लें। देखो भाई, मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे, मैंने पहले भी बताया, जो 3-3.5 महीने से तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन लाना जरूरी था यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना उसको ये चीज़ें देखकर, क्योंकि होता है ना यार, जब आपके एग्ज़ाम आने लग जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो आप और अच्छे तरीके से तैयारी करने लग जाते हैं। तो चाहे आपने 1 महीना पहले तैयारी स्टार्ट की हो, चाहे आपने 2 महीना पहले तैयारी स्टार्ट की हो, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 1 महीने तैयारी करके एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, तो अपनी जी जान लगा दो इस टाइम पर। ये जो 1 महीना है, लगभग 1 महीना ही बोलूँगा, 28 1 महीना आप बोल सकते हैं, 28 दिन या 1 महीना, ये जो दिन आपके लिए बचे हैं ये बहुत ही आपके लिए प्रीसियस डेज है। अगर आप इनमें अच्छे से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली उसका आउटपुट आपको मिलेगा। जी जान लगा दो। और जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं मैंने, चाहे वो, क्योंकि यार देखो नॉन टेक्निकल 50 नंबर का है, मुझे वो आप लोगों के लिए अरेंज करना था, मैंने आप लोगों को अरेंज करके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। बाकी धन्यवाद, अपने दोस्तों को ये खुशखबरी दिखा देना, शेयर कर देना उन लोगों के साथ। और वैसे मैंने जो है, एक बच्चे ने पोस्ट शेयर किया था, तो वैसे मैंने ग्रुप पे वो अपडेट कर दिया थी, ठीक है, ग्रुप पे जाके आप जो उसे चेक कर सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों से आने वाली अपडेट मिस ना हो गलती से भी। जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा, आई प्रोमिस मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, या तो अपने फेसबुक ग्रुप पर, या फिर आपको मैं इसी चैनल पर, ठीक है, या फिर कम्युनिटी टैब में बता दूंगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।